आपका एक्स पार्टनर आपका वो एक्स पार्टनर जो किसी और के लिए आपको धोखा देकर छोड़ के चला गया था, अब वो वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे क्या किया जाए, क्या वापस उसको आपकी लाइफ में आने का चांस देना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति आपको एक बार धोखा देता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन वही व्यक्ति अगर आपको दूसरी बार भी धोखा देकर जाता है तो मैं कहूँगा कि दोस्त इसमें आपकी ही गलती है। भगवान कभी कभी हमारे एक्स पार्टनर को हमारी लाइफ में वापस भेजता है ये देखने के लिए कि हम अभी भी उतने मूर्ख है या नहीं, क्योंकि जो इंसान आपको एक बार धोखा देता है अगर उसको मौका मिला तो वो आपको दूसरी बार भी धोखा देगा, अगर आप उनको फिर से मौका देते हो तो आपको फिर से धोखा मिलेगा। मैंने इतनी सारी बातें क्यों कही, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार आपको धोखा दिया था तो उन्होंने बता दिया था कि वो किस तरह का इंसान है, उनका नेचर क्या है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, और हर लोग अपना स्वाभाविक नेचर कभी नहीं छोड़ते। आपने वो बात सुनी होगी, वो कहानी सुनी होगी एक साधु और बिच्छू की, कि बिच्छू दलदल में फंस जाता है, एक साधु वहाँ से उसको निकालता है और पानी में अच्छी जगह पे फेंक देता है, तो बिच्छू क्या करता है उसको डंख मारता है, उस साधु ने उसकी हेल्प की थी, तो उसके बाद फिर से वो फंस जाता है, साधु उसको निकालता है, उसको वापस से वो डंख मारता है। तो उनका नेचर आपको एक बार में समझ में आना चाहिए, हम उस साधु की तरह बार बार जख्म को सहन नहीं कर सकते, वो संत है, वो महात्मा है, वो कर सकते, हम नहीं कर पाए। तो उन्होंने आपको एक बार में बता दिया कि वो बिच्छू है, उसकी औकात ये है, उसकी असलियत ये है, तो एक बार में आपको पता चल गया तो उसके बाद वापस आपको मूर्ख नहीं बनना। आपके लिए जानना ये भी ज़रूरी है, जब आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आता है तो बहुत सारी बातें करते हैं कि अब उनको रिलाइज हुआ कि मुझे सच्चा प्रेम तुम ही करते हो, मुझसे गलती होगी, ये वो बहुत सारी बातें करेगा, इमोशनल होगा, आपको लगता है कि यार इसको तो गुरु ज्ञान हो गया, इसको तो रियलिटी समझ में आ गई, मेरे प्यार को ये समझ गया। ना, ये गलती तुम वापस मत करना, क्योंकि रियलिटी तुम नहीं जानते, असल में उसको कुछ रियलाइज नहीं हुआ है तुम्हारे दुख के बारे में या तुम्हारे लव के बारे में। ऐसे लोग वापस तुम्हारी लाइफ में तभी आते हैं जब वो अकेले पड़ जाते हैं, जिसके लिए छोड़ के गए होते हैं ना आपको, वो उसको छोड़ के कहीं चला जाता है, तब उनके पास कोई नहीं होता, तब उनको आपकी याद आती है, तब वो आपके प्यार के बारे में, आपके फीलिंग के बारे में सोचते हैं। आप उनको एक्सेप्ट कर लो, वापस एक्सेप्ट कर लो और देखो कुछ टाइम बाद कोई और मिल जाएगा तो वापस वो आपको छोड़ के चला जाएगा, ये गारंटी है। अगर अभी भी तुम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो मत करना, ये गलती मत करना, क्योंकि उसके बगैर तुम हो सकता है कि हर्ट हो, लेकिन वापस वो धोखा देगा ना तो तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कॉमेंट कर, और वीडियो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని